गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास इंग्लिश कन्वर्सेशन चैप्टर 10 यूज़ ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का यूज़ कहाँ होता है? बिहाइंड का मतलब किसी चीज़ के पीछे। पुट अ चेयर बिहाइंड द टेबल एंड सी। चेयर उठाओ और देखो टेबल उसके पीछे है। द चेयर इज़ बिहाइंड द टेबल। चेयर टेबल के पीछे है। वेयर इज़ द चेयर। चेयर कहाँ है? द चेयर इज़ बिहाइंड द टेबल। चेयर टेबल के पीछे है। इज़ द चेयर बिहाइंड द विंडो। क्या चेयर विंडो के पीछे है? नो, इट इज़ नॉट बिहाइंड द विंडो। ये विंडो के पीछे नहीं है। इज़ चेयर बिहाइंड द टेबल। क्या चेयर टेबल के पीछे है? येस, इट इज़ बिहाइंड द टेबल। हाँ, ये टेबल के पीछे है। नो, शो अ कार बिहाइंड द गेट एंड से। द कार इज़ बिहाइंड द गेट। गेट के पीछे कार दिखाए और कहें कि कार गेट के पीछे है। वेयर इज़ द कार। कार कहाँ है? द कार इज़ बिहाइंड द गेट। कार गेट के पीछे है। इज़ द कार अंडर द गेट। क्या कार गेट के नीचे है? नो, इट इज नॉट अंडर द गेट। नहीं, ये गेट के नीचे नहीं है। इज़ द कार बिहाइंड द गेट। क्या कार गेट के पीछे है? येस, इट इज़ बिहाइंड द गेट। इन द सेम वे वी शुड प्रैक्टिस मोर। हमें इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस करनी है। जैसे बताया है इसमें क्लाउड के पीछे सन है, हाउस के पीछे ब्रिक्स रखे हैं, माउंटेन के पीछे स्मॉल माउंटेन्स हैं, बस के पीछे कार है। तो किसी भी चीज़ के पीछे कुछ भी चीज़ रखी होगी उसे क्या बोलते हैं हम? बिहाइंड। थैंक यू।